अगर अल्लाह चाहे तो उसके ये कहने पर वो प्लाट मस्जिद के नाम हो गया, वापस नहीं ले सकता। ठीक है, क्यों कि अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहे, और अल्लाह तो चाहता है कि तुम उसके नाम पर दो, मंजल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब एक आदमी यूं कहता है, इंशा अल्लाह मेरी बीवी को तीन तलाक, अगर अल्लाह चाहे तो मेरी बीवी को तीन तलाक, तो उलमा फरमाते हैं ये तलाक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि उसने कहा है अगर अल्लाह चाहे तो मेरी बीवी को तीन तलाक, और अल्लाह चाहता ही नहीं कोई अपनी बीवी को तलाक दे, लिहाजा ये तलाक नहीं होगी। हजारों दफा कह दे इंशाल्लाह साथ लगा हुआ हो, नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह चाहता ही नहीं तुम तलाक दो। अल्लाह घर आबाद, सैकड़ों आयात हैं घर को आबाद करने के लिए। फइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा, अगर मियां बीवी में हो गई खटपट तो बढ़ाओ नहीं। क्या मुसीबत है कि कुछ इधर से बढ़ाना लग जाते हैं, कुछ उधर से बढ़ाना शुरू कर देते। फबअथु हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा, तो तलाक देने में जल्दी ना करो, जल्दी ना करो। सुलह सफाई के लिए एक आदमी बच्ची की तरफ से आए, एक आदमी बच्चे की तरफ से आए, और दोनों में सुलह सफाई की कोशिश करो। या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक्तुमुन निसा, ए मेरे नबी जब तुम तलाक देना चाहो तो, या अय्युहन नबी, यहां ये इसलिए आया है कि अल्लाह ताला कह रहा है ए ईमान वालो, मैं ये नबी अपना सफारशी बना के तुम्हारे सामने पेश करता हूं, तलाक ना दिया करो, ना दिया करो। ये है या अय्युहन नबी से एकदम ईमान वालों की तरफ मुंतकिल होने का फलसफा, कि देखो मैं अपना नबी तुम्हारे लिए सफारशी बनाता हूं कि तलाक ना दिया करो, अगर देनी पड़ जाए, क्योंकि जायज है, नहीं निभा हो रहा फिर जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई जायज वजह है तो तलाक हुई है, फिर उसे दुश्मनी का सबब नहीं बनाना चाहिए। अगर सही मुनासिब हुई है, अल्लाह के नबी ने खुद दो खवातीन को तलाक दी, निकाह तो किया, रुख्सती नहीं हुई, तलाक दे दी। अल्लाह के नबी की बेटियों को तलाक पड़ी, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा, दोनों को तलाक दी गई, अबू लहब के बेटों ने तलाक दी। आपने हजरत हफ्सा को तलाक देने का इरादा किया तो उमर रजी अल्लाह अन्हा को पता चला, बड़े गमगीन हुए, तो अल्लाह जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह ताला फरमा रहे हफ्सा को तलाक नहीं दे सकते, ये आपकी दुनिया की बीवी भी है, जन्नत की बीवी भी है। कि उमर के दिल शिकनी हो रही है, तो एक घर बाकी रहे उसके लिए सैकड़ों आयात अल्लाह ताला ने उतारी है। और हमें कहा आशिरुहुन्न बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। हमें खिताब, चूंकि मर्द किसी की बच्ची को लेके आता है ना, लड़का किसी की बच्ची को लेके आता है, और अपने वो बच्ची मां छोड़ती, बाप छोड़ती है, भाई छोड़ती है, बहनें छोड़ती है, सहेलियां छोड़ती है, सबको छोड़ती है, और तीसरे दिन उसको ताने शुरू हो जाते हैं, इसका तो दिल ही नहीं लगता। और पहले दिन अपनी बीवी को नसीहत दी जा रही थी, मेरी मां की खिदमत करनी है, मेरी कर ना कर, मेरी मां की करनी है, मेरे अब्बा की करनी, मेरी बहनों की करनी, किसी के सामने तुमने बोलना नहीं, किसी के सामने उफ नहीं करना, बेवकूफ उससे मोहब्बत तो जिता, फिर उसके बाद जो कुछ कहेगा वो करेगा, पहले दिन ही हुक्म, ना ताल्लुक बना है, ना मोहब्बत पैदा हुई है, और ना अभी जोड़ बैठा है, और पहले दिन हुक्म सुनाने शुरू कर दी। उसके जिम्मे ना तेरी मां की खिदमत है, ना तेरे बाप की खिदमत है, ना तेरी बहनों की खिदमत, ये सारी खिदमत तो तेरे जिम्मे है। हमारा ससुराल का मुआशरा बड़ा जालिम है, लाखों में कोई एक घर बचा हुआ तो अलग बात है, वरना मैं तो दुनिया फिरी है, क्या दुनियादार क्या दीनदार, सब जुल्म ही जुल्म है। इतनी नेक औरतें तहज्जुद गुजार, मुसल्लब से उठती नहीं, तस्बीह हाथ में है, लेकिन जब वो सास बनती हैं तो ऐसा जुल्म उनके अंदर से निकलता है कि कांप उठते हैं दरो दीवार। जब औरत मां होती है तो उसके रूए रूए से मोहब्बत के चश्मे फूटते हैं, वही औरत जब सास बनती है तो एकदम जुल्म की तस्वीर बन जाती,
उसे अपनी बहू में कोई खूबी नजर ही नहीं आती, ऐब ही ऐब नजर आते हैं, अपने बेटे को भड़काती रहती है, भड़काती रहती है, ये करती है, ये करती है, और ऐसे बेवकूफ हैं, कोई मां की वजह से बीवियों को तबाह कर देते हैं, कोई बीवियों की वजह से माओं को तबाह कर देते हैं, ये दोनों जुल्म हैं। मां की वजह से बीवी पे ज्यादती ना करो, बीवी की वजह से मां पे ज्यादती ना करो, बीवी का अपना मकाम है, मां बाप का अपना मकाम है, बहनों का अपना मकाम है। 100% शिकायत झूठी होती हैं, सब झूठ होता है। इसलिए मेरे रब ने दस्तूर बताया, इन जाअकुम फासिकुन बिनबअन फतबय्यनू, जब किसी की खबर सुनो, कोई कमी कोताही सुनो, अव्वल तो सुनो नहीं, अगर सुननी पड़ जाए तो तहकीक कर लो, तहकीक कर लो। काजी अयास के पास आए, एक शख्स आया रोता हुआ, हाय मर गया, हाय मर गया। तो उनके साथ एक आदमी बैठे थे, कहने लगे हजरत इसका कजिया जल्दी से सुन लें, बेचारा बड़ा मजलूम लगता है। कहने लगे चुप कर, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी रात को रोते हुए बाप के पास आए थे, हर रोने वाला मजलूम नहीं होता, हर रोने वाला मजलूम नहीं होता। अपने घरों की फिजा बनाओ, कमी सुनो ही नहीं। तुम्हारी बीवी मां की कमी बताने लगे, कहा ना मुझे ना बताओ, तेरी बड़ी मेहरबानी। तुम्हारी मां तुम्हारी बीवी की कमी बताने लगे, कहा अम्मा मुझे ना बताओ, तेरी बड़ी मेहरबानी। घर की फिजा ऐसी बनाओ कि किसी की कमी का तस्करा ना हो, तो अल्लाह की कसम तुम्हारा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। ये मुआशरत का दीन बता रहा हूं, मुआशरत का दीन। अपनी बीवी की खूबियों की तारीफ करो, कमियों पे पर्दा डालो। बीवियों के जिम्मे है खामिद की खूबियों की तारीफ करें, इंसान हौसला अफजाई का मोहताज होता है। एक बुजुर्ग गया अपने किसी मुरीद के घर, तो वहां उन्होंने खाना खाया, खाना उनको पसंद आया। कहने लगे अपनी बेगम को पर्दे में बुलाओ। तो उन्होंने अपनी बेगम को पर्दे में बुलाया, कहा बेटी मैंने तेरा हाथ का खाना खाया, बहुत मजेदार था, अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे, तुमने बहुत अच्छा पकाया। तो वो जारो कतार रोने लगी। तो उन्होंने पूछा बेटी क्या हुआ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। कहा नहीं हजरत, आपकी बात पे रोना नहीं आया, रोना इस पर आया है कि 30 साल से मैं इस शख्स के साथ रह रही हूं, कभी एक दफा इसने मेरे हाथ के पके की तारीफ नहीं की। आप घर में तशरीफ लाए, आपने पूछा कोई खाने को कुछ है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर, कहा या रसूल अल्लाह आज तो कुछ नहीं, सिरका है। कहा वाह 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 वाह, निअमल इदाम अल खल, सिरका तो बहुत अच्छा सालन है। सुभान अल्लाह, कैसे दिलजोई फरमाई अपनी बेगम की, सिरका तो बहुत अच्छा सालन है, या तूने नमक कम डाल दिया, तूने मिर्ची ज्यादा कर दी। हम रायमंड में पढ़ते थे ना, तो पकाना हमारे जिम्मे होता था, तो हमें पता कि पकाते हुए क्या गुजरती। जब 2000 आदमी की रोटी हम पकाते थे, 5-5 बोरी आटा गूंदा है हाथों से, और 2 दिन 10-10 मन खड़े होकर रोटी लगाई है। सख्त सर्दी में भी, सख्त गर्मी में, सर्दी में जब रात को आटा गूंदते थे हम, तो हमारे हाथ ऐसे अकड़, तुम तो सर्दी देखते ही नहीं हो, हाथ ऐसे अकड़ जाते थे, और सुबह 4 बजे उठ के रोटी पकाना शुरू करते थे। 2000 आदमी की रोटी पकानी होती थी, तो अब कोई आकर कहे तो उन्हें कच्ची रोटी पकाई, तो जी दादा एक थप्पड़ इसके मुंह पे मारे, कि 4 बजे के हम उठे हुए हैं, पका पका बुरा हशर हो गया, कहते कच्ची पकाई। भाई सबर करके चुप करके खा जा। मौलाना लिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक अपने मुरीद के घर गए, तो उसने खीर बनाकर पेश की। अच्छा, नमक और चीनी एक जैसे होते हैं, वो देहाती औरत समझ ना सकी, चीनी के बजाय नमक डाल दिया।
तो उन्होंने जाकर सबसे पहले मौलाना इलियास साहब के सामने खीर रखी, तो आपने जो चखी तो वो तो थी कड़वी। कहने के भाई वाह 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 वाह, बड़ी मजे की खीर सारी लिया, मैं अकेला खाऊंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा। सारी खीर खा गया उस पर पर्दा डालने के लिए। वो तो जब उस उन्हें कहा मौलाना इलियास का बचा हुआ थोड़ा सा, मैं जब चखा तो कड़वा था, हाय मर गई ये तो, सारा नमक डाला हुआ था। एक दफा हमारी जमात चिन्योट में थी, तो हमारे साथियों ने चाय बनाई, तो वो अंधेरा सा था, तो चीनी के बजाय ना नमक डाल दिया और दस्तरखान पे ले आए। सब पी रहे, वल्लाह मैं आंखों से देखा बता रहा हूं, मौलाना इलियास का तो सुना बता रहा हूं, किसी एक ने नहीं कहा कि ये कड़वी है, चुप करके पी रहे, चुप करके पी रहे, किसी एक ने नहीं कहा। बाहर एक देहाती खड़ा था, तो मैंने उसका चाचा आते नु चाह पीवा, वो आ गया, उसने पहला घूंट भरा, ओए था कौड़ी ये, उसने बांडा फोड़ दिया। फिर सारे साथी हंस पड़े कि चाचा हमने तो पर्दा डालने की कोशिश की थी खिदमत वालों पर तू नहीं पर्दा चाक कर दिया, बांडा फोड़ दिया। क्या खूबसूरत तरबियत। 8 साल हमने देगें पकाई हैं और रोटियां पकाई हैं रामायण में पढ़ते हुए, तो पकाने वाला कितना खपता है। मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्ग थे, बड़े नफीस, तो वो रोटी बड़ी नफीस खाते थे, तो उनके लिए मुझे फरमाया उसने रोटी तू बना। अब मैं डर रहा था कि पता नहीं मुफ्ती साहब को पसंद ना आई तो क्या बनेगा। हौसला अफजाई कितनी जरूरी चीज। अब वो मैं रोटी नाश्ते में ला के रखी और अल्लाह का फजल, अब तो खैर भूल भुलैया हो गया, वरना बहुत नफीस रोटी में बनाता था। एक दफा मैं घर में था, तो रमजान का महीना था, तो किसी की आंख नहीं खुली, गर्मियों का रमजान, तो मेरी आंख खुल गई, तो सब सोए पड़े, नौकर भी घर वाले भी, तो मैंने किसी को नहीं उठाया, चुप करके जाके परात उठाई और रोटियां पकानी शुरू कर दी। जब सारी रोटियां पक गई, आखिरी पेड़ा मेरे हाथ में था, तो मेरी बड़ी बहन की आंख खुल गई, उसने देखा तो मैं रोटियां पका रहा, को तेरा भला हो जावे, एक ही कीता। मैं कहा रोज तुम पकाती हो, आज मैं पका के दे रहा हूं, इसमें क्या है। तो मैंने रोटी पेश की ना, तो मुफ्ती साहब ने एक दो लुक में खाए, तो मैं वो खड़ा से कांप रहा, पता नहीं अब क्या होता, किसने पकाई है। मैंने कहा जी मैंने पकाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी पकाई। तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, हौसला अफजाई करना, बुराइयों को, हमारी मुआशरत क्या है, 100 खूबियों में से एक कमी को निकाल के पकड़ लेना और 100 पे काटा, 100 नजर नहीं आती, एक कमी को पकड़ के उसे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे। ये घर का दीन है, घर का दीन है, ये घर की मुआशरत है कि एक दूसरे की हौसला अफजाई हो, उससे दिल बढ़ता है, दिल बड़ा होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा छोटी उम्र की हैं, तो आप जिहाद से वापस आ रहे हैं, जिहाद से, तो आपने सहाबा से कहा आगे चले जाओ सारे, सब आगे चले गए और नजरों से गायब हो गए। तो अब खुद अल्लाह के नबी कह रहे हैं आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओगी, दौड़ लगाएं, तो हज़रत आयशा ने कहा लगाऊंगी, सुभान अल्लाह, सारे आलम का हादी तुम्हें घर की जिंदगी बता रहा है कि घर में जिंदगी कैसे होती। ये मौली साहब चाहते हैं फतवे से घर चलाऊं, फतवे से थोड़ा ही चलता है, वो तो मोहब्बत से चलता है। तो फरमाने का हमने दौड़ लगाई, तो मैं आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। फिर कुछ अरसा गुजरा, तो आप एक जहाज से वापस आ रहे थे, आपने सहाबा से कहा तुम सब आगे चले जाओ, सब आगे चले गए, नजरों से ओझल हो गए, गायब हो गए। तो फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाओगी, कहा जी लगाऊंगी। फिर हमने दौड़ लगाई, तो फरमाने लगे उन दिनों में जरा मोटी हो गई थी, तो अल्लाह के नबी मुझसे आगे निकल गए,
تو آپ نے کہا ہذہ بتلک، کہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، پہلے تو جیت گئی تھی آج میں جیت گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا عربوں میں، بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے، چھوٹی چھوٹی بوٹی نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مثلا بوٹی اٹھائی، کبھی کبھی گھر میں مہینے میں ایک آدھ دفعہ گوشت بنتا تھا، تو آپ بوٹی اٹھا کر ایسے کھاتی نوشتی، تو ساری تو ایک دم کھائی نہیں جاتی تو رکھ دیتی تھی. تو اللہ کے نبی وہی بوٹی اٹھاتے تھے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے کھاتے تھے. ایسے معاشر رضی اللہ عنہ پانی کا پیالہ اٹھاتی اور پیتی، وہ پہلے بھی بڑے ہوتے تھے ایسے چھوٹے گلاس نہیں ہوتے تھے، تو وہ پیتی تو جب رکھ دیتی تو اللہ کے نبی پیالہ اٹھاتے، جہاں لگ اما عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی دکھا کے یہ کرتے تھے. یہ بتا رہے ہیں اظہار محبت رشتوں میں بہت ضروری ہے، اظہار ضروری. بھائی کو بتاؤ میں تیرا بھائی ہوں، اس کے سامنے اظہار محبت ضروری ہے. بیوی سے اظہار محبت ضروری ہے، بیوی کا خاوند سے اظہار ضروری ہے، ماں باپ سے اظہار ضروری ہے. یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کو میرے نبی نے سب. قرآن سنو ماں باپ کے لیے، وقف اللہما جناح الذل من الرحمہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہاں ماں باپ کے لیے اپنے پر پھیلا دو، پر بچھا دو. کیوں بھائی؟ انسان کے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ بولو بھائی. باجو، تمہاری گجراتی میں بولوں نا، باجو. باجو ہوتے ہیں نا، پر تو نہیں ہوتے نا. لیکن اللہ کہہ رہا پر بچھا دو، اپنے ماں باپ کے لیے پر بچھا دو. پر بچھانے کا کیا مطلب؟ میں بتایا کرتا ہوں کہ اس آیت کو کسی تفسیر سے میں نہیں سمجھا، نہ کوئی تفسیر والا یہ تفسیر کی طرف جائے گا. یہ جو میرا کالج کا ایک دور ہے، ایک تبلیغ کا دور ہے. کالج دور میں جب ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی ہے، اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا، اس میں ہم شکار کھیلنے جاتے تھے. ایک ایک ہفتہ جنگل میں پڑے رہتے تھے، تو ساتھ کھانے کا سامان، ساتھ سارے حشم خدم، اور ایک ایک ہفتہ ہم شکار کرتے تھے. تو وہ تیتر کو لگتا تھا نا چھرا، وہ چھرے لگتے تھے تو گرتا تھا، تو یوں اس کے پر یوں ہو جاتے تھے، میرے آنکھوں کے سامنے وہ تیتر نظر آ رہے ہیں، وہ یوں ایسے گرتے تھے اور یوں گردن ٹیڑی ہوتی تھی. اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں تیرے بس میں ہوں، ذبح کر یا چھوڑ دے، میرا بس ختم ہو چکا. تو آئے ہائے ہائے قربان جاؤں قرآن کی خوبصورتی پر. میرا رب کہتا ہے اپنے پروں کو بچھا دے ماں باپ کے آگے، جیسے زخمی پرندہ تیرے آگے بچھ جاتا ہے، کہ ذبح کر دو صاحب، بھون کے کھا یا کباب بنا کے کھا، اب تیرے حوالے ہوں. ایسے ہی ماں باپ کے آگے یوں ہو جا. کیا خوبصورت تعبیر کی ہے، لا تقل لهما اف، اون بھی نہ کر. آپ نے فرمایا کاش میرے والدین ہوتے، تمنا کی. دو مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں تو باپ کا انتقال ہو گیا، یا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی. اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا لبیک یا امہ. حج کا سفر ہے، 63 سال عمر ہے، ماں کو فوت ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں. آپ حاجیوں کے ساتھ ابوا سے گزرتے ہیں، 10 میل آگے بستی ہے، پہلے قبر آ جاتی ہے. آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، سر ننگا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، ماں کی قبر سے گزرے. 57 سال میں آدمی کیا کچھ نہیں بھول جاتا، لیکن میرے نبی کے دل کا زخم اسی طرح بھرا نہیں ہے، اسی طرح تازہ ہے. آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے آ کے یوں بیٹھے،
घुटने उठाए और हाथ यहां रखे और सर दिया घुटनों में ऐसे, और यूं सर नीचे करके जो रोए हैं जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, आपने देखा छोटे बच्चे घरों में ऐसे रोते हैं ऐसे, हम भी बहुत रोए इस तरह मुंह घुटनों में देकर। तो मेरे नबी घुटनों में मुंह देकर जूं रोए जूं रोए जूं रोए कई घंटे रोते रहे। सन 2000 में मैं हजरत आमना की कब्र की ज्यारत के लिए पहुंचा, ढूंढते ढूंढते अल्लाह ने पहुंचाया, एक रहबर को साथ लिया, वो पहाड़ों के अंदर वो कब्र है, तो वो अंदर हमें ले गया। रास्ता कोई नहीं था, जिसको पता हो वो पहुंचा सकता है, वैसे को नहीं जा सकते। हो काले पहाड़, छोटे छोटे कांटेदार झाड़ियां, एक पहाड़ी होगी इतनी ऊंची जितनी आपकी छत है, उसके ऊपर बाकी पहाड़ तो ऐसे थे नोक निकली हुई, वो ऊपर फ्लैट था कोई 10x10 तकरीबन, वहां मेरे नबी की मां आराम कर रही थी। तो मैंने चारों तरफ देखा तो 2000 यानी सिर्फ 12 साल पहले जंगल वीराना वहशत, 1400 साल पहले यहां क्या होगा। मैं अल्लाह की बेनियाजी से कांप रहा था कि मेरे रब जिसकी खातिर तूने कायनात बनाई, यहां इस जंगल में उस पर इतना इम्तिहान डाला, वो भी 6 साल की उम्र में, बाप देखा नहीं, बहन कोई नहीं, भाई कोई नहीं, खाला कोई नहीं, कोई साथी कोई नहीं, 3 दिन बाद ये मौत आती तो मक्के में आती तो कई सीने से लगाते, 3 दिन पहले ये मौत आती तो मदीने में आती कई सीने से लगाते, मदीने से भी निकाला और मक्के से भी दूर किया, और जंगल के अंदर सिर्फ 25 साल की उम्र में अम्मा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा पे मौत ने वार किया, और अल्लाह के नबी घबरा गए। 6 साल के बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, हजरत आमना बोल नहीं पा रहे, मुझे लगता है गालबन हार्ट अटैक हुआ होगा। 3 अफराद, वालिदा, खादिमा उम्मे ऐमन और मेरे नबी, और हजरत आमना यूं तड़प रही थी, ऐसे पहलू बदल रही, तड़प रही थी, और आप सहमे हुए बैठे थे और समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है। फिर हजरत आमना ने आखिर में अपने आप को, हार्ट अटैक में बोला नहीं जाता, मुझे हुआ था तो मुझे पता है, बोला नहीं जाता, आखिर बुझती शमा भड़की का बेटा, हर जिंदा ने मरना है, हर जवानी ने ढलना है, लगता है मेरे जाने का वक्त आ चुका है। वलत तो तुहरन, तू ऐसा पाक है कि तेरे जरिए से सारा आलम पाक होगा। और शमा बुझी और छोटा सा मासूम बच्चा मां के सीने पर सर रख के जो रोया है, काश तुम उस जगह पे होते, इस खूबसूरत मुल्क में तुम अबवा को कैसे जानो और मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैं हजारों दफा यह किस्सा सुना चुका हूं, मुझे हर दफा रोना आता है कि मैं वहां अपने आप को महसूस करता हूं कि हाय यहां इस जगह इतना बड़ा इम्तिहान और सिर्फ 6 बरस का, कौन वहां कब्र बनाने आया, कोई गुजरे होंगे, वैसे तो किसी के बस में नहीं वहां कब्र बनाना। जब पहाड़ से नीचे उतरे तो हमारे नबी फिर भागे, जब उम्मे ऐमन ऊपर पहुंची हैं तो क्या मंजर था कि अबवा के पहाड़ भी रोए और जमीन आसमान भी रोए और हर हर पत्थर रोया कि 6 साल का मासूम बच्चा, 2 जहान का सरदार है, जन्नत का चाबी बरदार है, अल्लाह का झंडा उनके हाथ में होगा, शफात उनकी के तुफैल हिसाब होगा, उनकी शफात के साथ पुल पार होगा, उनके सदके जन्नत का दरवाजा खुलेगा, उनके सदके जन्नत में दाखिला होगा, उनके सदके गुनाहों की माफी होगी। और इतनी बड़ी हस्ती, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा का टाइटल लेने वाला, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा का टाइटल लेने वाला, 6 साल का बच्चा, मुझे देखो मां की कब्र से मां की कब्र को सीने से लगाया हुआ था और उसके ऊपर लेटे हुए थे,
जब हज उम्मे ऐमन पहुंची हैं तो अल्लाह के नबी क्या कह रहे थे, ऐ मेरी माँ तुम्हें तो पता है ना तेरे सिवा मेरा कोई नहीं था, तू मुझे छोड़ के कहाँ चली, तेरे बगैर कहाँ जाऊंगा, मेरा कौन है अब तेरे सिवा। उम्मे ऐमन ने उठाया कि मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी माँ के सिवा कहीं नहीं जाऊंगा। खींच के उठाया, नीचे लाई, ऊंटनी पे बिठाया, तीन रातें मुसलसल रोते रोते ये सफर हुआ। हाय हाय, कोई आंसुओं को, आगे कोई खाला नहीं बैठी, बाप भी नहीं बैठा हुआ, भाई भी कोई नहीं, बहन भी कोई नहीं है, कोई नहीं जिसके गोद में सर रख के अब ये बच्चा सोएगा। तन्हाइयों के साथ अब बसेरा है। तो मेरे नबी का खाना पीना छूट गया, कुछ नहीं खाते थे सारा दिन, जमजम के पानी के चंद घूंट पीते थे और तन्हा बैठे रहते थे। तो इस पर आपने ये कहा, काश मेरी मां होती तो मैं ऐसी खिदमत करता कि उसके पीछे नमाज भी तोड़ देता। तो मां बाप का एक मकाम है जो दीन बताता है भाई, सिर्फ पैसा ही बनाना सब कुछ नहीं है, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। माँ बाप का एक मकाम है, उनको मकाम दो, लेकिन मां की वजह से बीवी पे जुल्म न करो। बीवी के इश्क में मां पे ज्यादती ना करो। ये घर की मुआशरत है, ये घर की जिंदगी है। हजरत नोमान बिन हारिसा बिन नोमान, हारिसा बिन नोमान, दो सहाबा के बारे में आता है कि जैसी उन्होंने मां की खिदमत की और किसी ने नहीं की, एक हज़रत उस्मान, एक हारिसा बिन नोमान। हारिसा बिन नोमान के बारे में तो आपने कहा मैं जन्नत में गया तो मैंने कुरान की तिलावत सुनी, तो मैंने कहा ये कौन तिलावत कर रहा है, कहा जी हारिसा। कहा हारिसा, हारिसा तो मदीने बैठा है, यहां तिलावत कैसे, तुम्हें सुनाने के लिए कितना बड़ा स्पीकर लगा हुआ है, उस साथ में आसमान पर जन्नत है। तो कहा फरिश्तों ने कि जी माँ की ऐसी खिदमत की है, जब कुरान पढ़ते हैं अल्लाह सारी जन्नत को सुनाता है। तो जिनके वालदैन यहां साथ हैं वो उन्हें गनीमत जानो, उनकी खिदमत करो। लेकिन मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये पहलू में बहुत कमी ज्यादती है कि माँ बाप या माँ की वजह से बीवी पे ज्यादती ना करो। क्योंकि सास को मैंने रहम दिल नहीं देखा, चाहे वो तहज्जुद गुजार हो, चाहे वो रोजेदार हो, चाहे वो हज उमरे करती हो, चाहे सारा दिन तस्बीह उसके हाथ में हो, मैंने किसी सास को रहम दिल नहीं देखा। क्योंकि ये अखलाक सीखे ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है किसी ने। एक दूसरे की हौसला अफजाई करो, कमियों पर पर्दे डालो। अपने घरों में तुम पराए देश में औलाद को वक्त दो, औलाद को टाइम दो। दीन सिखाने के लिए सबसे पहला मदरसा माँ बाप हैं, तरबियत की पहली जो मजलिस है वो माँ बाप हैं। अगर माँ बाप टाइम देते रहेंगे तो औलाद के अंदर दीन आएगा, अगर माँ बाप ने टाइम ना दिया, दो जहान के सरदार हैं अपने बच्चों से कैसे घुल मिले हुए हैं, आप हसन हुसैन दोनों को खड़ा करते, जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु जवानी में शहीद हो गए थे, उनके तीन बेटे अब्दुल्ला और मोहम्मद, उनको खड़ा करते, फिर खुद ऐसे बैठ जाते, हाँ भाई जो मुझे पकड़ेगा उसको इनाम मिलेगा, सबसे पहले जो मुझे हाथ लगाएगा उसको इनाम मिलेगा। तो पांचों बच्चे दौड़ लगाते, कोई सर पे चढ़ता, कोई गोद में, कोई कमर पे, हर कोई कहता मैंने पहले हाथ लगाया, मैंने पहले हाथ लगाया है। ये दो जहान के सरदार अपने बच्चों के साथ तुम्हें जिंदगी सिखा रहे हैं। फर्ज नमाज, नफल नहीं भाई, फर्ज, फर्ज बाजमात नमाज हो रही,
اور حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو یہاں بٹھایا ہوا فرض نماز میں, اور نبی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری نماز تو ٹوٹ جائے گی, نبی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جب آپ رکوع میں جاتے تو ان کو بٹھا دیتے, سجدہ کر کے اٹھنے لگے پھر اٹھا کے یہاں بٹھا کے پھر نماز شروع کر دیتے. ذرا تمہیں سکھانے کے لیے ہے. آپ سجدے میں گئے فرض فرض فرض, تو حسن رضی اللہ عنہ کمرے سے نکلے اور دوڑتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کی کمر پہ چڑھ گئے, تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. جب لمبا زیادہ ہو گیا تو صحابہ ڈر گئے یہ کیا ہو گیا, تو پہلی صف والوں نے ذرا یوں اٹھا کے سر اٹھا کے دیکھ چکر کیا ہے, تو دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے, تو جو قریب میں ایک آدمی تھا اس نے سجدے میں ہی ہاتھ آگے کیا ان کو پکڑ کے نیچے اتارنے کے لیے, تو اللہ کے نبی کی یہاں سے نظر پڑی کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے, تو آپ نے یوں اشارہ کیا چھوڑ دو کچھ نہ کہو. تو جب تک حسن نہیں اترے کمر سے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. میرے نبی نے کہا اکرم اولادکم, اپنی اولاد کو عزت دو ورنہ یہ باغی ہو جائیں گے. اور یہاں تو ویسے ہی ماں باپ کا پتہ نہیں, کسی کو ماں باپ کسے کہتے ہیں, بہن بھائی کی یہاں رشتوں کا تو کسی کو پتہ کوئی نہیں کہ رشتے کی قدر کیا ہے. بھائی بھائی آپس میں دنیا پہ نہ لڑو, چھوڑ دو لڑو نہیں, کہا بھائی لے جا, کسی کا حق کسی نے کھا لیا ہے تو ضائع نہیں ہوگا, ملے گا واپس. صرف یہیں تو پاناما ہی تو زندگی نہیں, آگے بھی تو آ رہی. میرے نبی نے ایک عجب اصول بتایا, آپ نے مدینے والوں سے فرمایا میرے باتوں میں تمہارا حق نہیں ملے گا تم کیا کرو گے. انہوں نے کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے اپنا حق وصول کریں گے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں, اس سے بہتر بتاؤں. کہا جی کیا؟ کہا تم حق چھوڑ دینا, اس کے لیے لڑنا نہیں, لڑنا نہیں, ہم مانگو نہیں ملتا لڑنا نہیں, چھوڑ دینا, لڑائی سے بچنا چھوڑ دینا, اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے ملاقات کر لینا, میں اللہ سے سارے پورے کروا کے دے دوں گا. جب تمہارا وکیل ہو محمد مصطفیٰ جی صلی اللہ علیہ وسلم اور جج ہو اللہ, تو کیسا فیصلہ آئے گا؟ یہاں تم کتنا کو لے لو گے ڈالر میں, پلاٹ میں کتنا لے لو گے؟ ہاں لو, اپنا حق نہ چھوڑو, لیکن اگر لڑائی ہو رہی ہے تو پھر چھوڑ دو, چلو لے جاؤ, میں رشتہ قربان نہیں کروں گا, چیز قربان کر دوں گا. اللہ تمہاری نسلوں کو یہاں بھی نحال کرے گا, آگے انتظار کرو, اللہ کے نبی حوض کوثر پہ تمہارے انتظار میں ہے, آ جاؤ جن کے حق مارے گئے, آ جاؤ آ جاؤ, آج میں اللہ سے لے کر دیتا ہوں. اور آخری بات کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. ان ساری گھر کی زندگی, بازار کی زندگی, میاں بیوی کی زندگی, ماں باپ کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بیوی کا خاوند کے ساتھ, بھائی کا بھائی کے ساتھ, بہن کا بھائی کے ساتھ, ان سارے رشتوں میں اور آپ کا آپس میں, آپس میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہو, آپ سب کا آپس میں یہ سب کچھ قائم ہو جائے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آخری ایک بات کہتا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں, افلا انبئک بملاک ھذا کلہ, معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں, میں پھر کہتا ہوں معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں, دین کا خلاصہ. انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے ہیں اور معاذ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں. تو آپ فرماتے ہیں نماز قائم کر, زکات دے, روزے رکھ, روزہ ڈھال ہے, صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے, رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کی خاطر جنت کے دروازے کھلواتا ہے. یہ لمبی نصیحت ہے, پورا دین اس میں سمجھاتے ہیں. پھر آپ نے آخر میں کہا معاذ اب میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. تو انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سارے. تو آپ نے یوں کیا,
देख लिया सबने, मुंह से कुछ नहीं बोले, अमल करके दिखाया। किसको? कोई छोटा बच्चा सामने खड़ा हुआ है, कौन खड़ा है? माज। माज कौन है? आपने कहा क़यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा का झंडा माज के हाथ में होगा। उसको यूं समझाया जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं, माज जबान पे काबू रखना, जबान पे काबू रखना, जबान पे काबू रखना, तो सारा दीन तेरा महफूज। अगर जबान काबू में है बीवी की, खामिंद की, मां की, बाप की, भाई की, बहन की, पड़ोसी की, पार्टनर की, साथी की, पूरा दीन महफूज हो जाएगा, घर जन्नत बन जाएगा। जबान अगर तेज हो गई तो बस सारा दीन बर्बाद। दीन में बचेगा ही कुछ नहीं अगर जबान पे काबू नहीं। तो मेरे पास वकीलों का वफद आया, हमारी हम जमात में थे मुजफ्फराबाद, तो मैंने आधा घंटा बात की। कहा जी आपकी बहुत नसीहतें सुनी हैं, आखिर में कोई एक नसीहत कर दें। तो मैंने कहा ये, कहने नहीं ये नहीं, कोई और नसीहत कर, ये बड़ा मुश्किल का, एक तो यही है कि इसे काबू में रखो, एक मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है और एक कड़वा बोल जिंदगी में जहर घोल देता है। मैं और आप क्या हैसियत रखते हैं? मेरे नबी की खिदमत में पेश हुए अबू सुफियान बिन हारिस और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, एक फूफी का बेटा, एक ताया का बेटा। अबू सुफियान ताया का बेटे, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया फूफी के बेटे। कहा हम आए हैं, अंदर इतला भिजवाई, तौबा करने आए हैं, मुसलमान होना चाहते हैं। तो आपने फरमाया मुझे इनके इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनको बैत नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे बड़ा दुख दिया हुआ है। ताइफ वालों से ज्यादा था, ताइफ वालों ने तो पत्थर मार मार लहूलुहान कर दिया था। हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा आपने दुख कहां देखा? कहा ताइफ की वादी में। लेकिन जब वो पत्थर मारने वाले मदीने में आया तो आपने उनका इस्तकबाल किया। अब एक फूफी का बेटा है, एक ताया का बेटा, आपका नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। क्यों? का एक मेरे बारे में शेर कहा करता था और मेरी बुराई बयान करता था अशार में, और एक अब्दुल्ला ने, अबू सुफियान मेरे बारे में शेर कहता था, पत्थर नहीं मारा, जबान का गलत इस्तेमाल। और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया ने मुझे हरम में कहा था आसमान पे चढ़ जा, चार फरिश्ते लेकर आ, उनके हाथ में पेपर हो, उस पर अल्लाह की मोहर हो और अल्लाह की तरफ से लिखा हो कि मोहम्मद मेरा रसूल है, तो फिर भी मैं तेरी नहीं मानूंगा। तो कहा ये बात मेरे सीने पे है, मैं नहीं इनको मिलूंगा। कड़वी बात तो नबी का सीना तंग कर देती। तुम बीवी से बोलोगे या बीवी खामिंद से बोलेगी या बच्चे से बोलोगे, बच्चा आपसे बोलेगा, या माँ बाप से बोलोगे, माँ बाप आपसे बोलेंगे, भाई से बोलोगे, साथी से बोलोगे, क्या हाल होगा, क्या पीछे बचेगा? तो मैं कुर्बान जाऊं हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला पर, उन्हें बड़ा अजीम किरदार अदा किया है दो मौकों पर, उसमें से एक मौका ये है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, एक आपके फूफी का बेटा, एक आपके ताया का बेटा, आप तो दुश्मनों को माफ कर देते हैं, ये तो आपके अपने हैं, आप माफ कर दो वरना वो हलाक हो जाएंगे। उम्मे सलमा की सफारिश पर फिर आपने उन दोनों को अंदर बुलाया और उनको बैत किया और उनको कलमा पढ़ाया। जबान का गलत बोल कहां तक असर करता है। तो ये मेरी आखिरी बात है, अपनी जबानों पे काबू। हम इंसान हैं, हो जाएगा, जब हो जाए तो फिर माफी मांगो, माफी मांगो। निकाह है, हाँ, जब हो जाए माफी मांगो, मीठे बोल के आदि बनाओ। कि किसी के साथ मीठा बोल बोल देना भी सदका है। तो भाइयों ये एक मुआशरत है। हमारे यहां पाकिस्तान में ना बसों के पीछे बड़े अजीब अजीब लिखे होते हैं जुमले है? तो मेरी जिंदगी सड़कों पे ही गुजरी है, तो मैंने उसका एक वो बनाया है स्केच।
एक दफा मैं एक बस के पीछे जा रहा था तो उसके पीछे एक जुमला लिखा था जो मुझे बड़ा पसंद आया, तो फिर मैं पिछला भी सुना देता हूँ वो भी सुना देता हूँ। नई बस के ऊपर लिखा होता है वेख टोर चकोरी दी। चकोर एक परिंदा बड़े नखरे से चलता है, तो नई बस के पीछे लिखा होता है मुझे देखो मैं चकोर की तरह चल रही हूं। जब जरा पुरानी हो जाती है तो उसके पीछे लिखा होता है हारन देकर पास करें। जब ज्यादा पुरानी हो तो फिर उसके पीछे लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर। और ज्यादा पुरानी हो तो उसके पीछे लिखा होता है ना छेड़ मलंगानू, मलंग समझ तो ना छेड़ मलंगानू, ऐसे जुमले लिखे होते। कहीं वो रंग रोगन होके दोबारा आ जाए सड़क पर तो लिखो तो वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। तो एक दफा मैं एक बस के पीछे जा रहा था तो मैं वो ऐसे ही नजर तो पड़ी जाती है तो वो फिर पड़ा भी जाता है, तो एक बस के पीछे एक जुमला लिखा था मेरे जो सवा घंटे के जो मैं मजमून बयान कर उसका खुलासा लिखा था दिल बराए फरोख्त, बड़ा दिल बराए फरोख्त, और नीचे लिखा था कीमत एक मीठा बोल। एक मीठा बोल, एक बोल से बीवी का दिल खरीद लो, एक बोल से बीवी खामिंद का दिल खरीद ले, एक बोल से बहू सास का दिल खरीद ले, एक बोल से सास बहू का दिल खरीद ले, एक बोल से भाई भाई का दिल खरीद ले, एक बोल से माँ बाप औलाद का दिल खरीद ले, एक बोल से औलाद माँ बाप का दिल खरीद ले, एक बोल से तुम दुश्मन का दिल खरीद लो, ये जबान का मीठा बोल है, ये करोगे तो अल्लाह तुम्हें चमकाएगा। तो भाइयों ये भी दीन है और बहुत बड़ा दीन है, और दुख दर्द की बात ये है ना ये बताया जाता है ना ये सिखाया जाता। ज्यादा जोर इबादात पर ही है। हुसन जो पैदा होता है वो मेकअप से पैदा होता, हमारे दीन का जो मेकअप है वो अच्छे अखलाक हैं, वो ये जिंदगी है जिसको मैंने थोड़ा सा आपके सामने नमूना पेश करने की कोशिश की है कि एक दूसरे के लिए राहत बनो, एक दूसरे के लिए खैर का जरिया बनो, एक दूसरे की कड़वी कसीली बर्दाश्त करना सीखो, सह जाओ पी जाओ, तो इंशाल्लाह नियत करते हो सारे भाई करोगे ना इंशाल्लाह। लो भाई नहीं नहीं बोलो। तो कल मैंने आपसे अर्ज किया था कि दो काम आप थोड़ा सा मजमा मुस्तकिल कर लो, एक जुमरात को मरकज में आया करो, एक तीन दिन महीने के लगाया करो, और एक उसके साथ और अर्ज कर दो जिस दिन तुम्हारा गश्त हो अपने गश्त में शिरकत किया करो। तो इंशाल्लाह ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सारी काबू में आ जाएंगी। सालेहा बिन्त मोहम्मद इलियास, अच्छा अहमद इस्माइल, ये है महर कितना है? $1700 नकद। मैं निकाह से पहले जो बातें किया करता हूँ आज वो सारी तकरीबन मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं कि किसी भी घर को अगर खुशबाश कोई घर ये चाहे कि हम खुशबाश रहें, खुशबाश रहें तो एक दूसरे की बुराइयाँ देखना छोड़ दें, एक दूसरे की कमियाँ पकड़ना छोड़ दें, एक दूसरे पर एक दूसरे को ताना देना छोड़ दें, एक दूसरे के ऐब छुपाएं, अपने घरों में गीबत ना करें किसी की, किसी की बुराई ना करें, अपने बच्चों को भी इसका आदि बनाएं, न किसी की करें न किसी की सुने। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम लोग देखे हैं जो इस चीज पे अमल करते। तो इंशाल्लाह आपके घर में रौनक रहेगी। जी भाई तुम हो अहमद, अच्छा तो मुझे फीस क्या दोगे?
क्या करते हो, क्या करते हो? चार महीने लगाओगे तबलीग में? अच्छा अच्छा यही फीस है मेरी, चार महीने तबलीग में लगा दूं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال جی بھائی صالحة بنت محمد الیاس کو 1700 امریکی ڈالر مہر معجل کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، قبول کیا؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ، یہ چھوٹا سا مجمع تیرے ماننے والوں کا، تیرے حبیب کی امت کا، دور دراز دیس میں ہے، یا اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں ضائع ہونے سے بچا، گم ہو جانے سے بچا، باہر کے گندے ماحول سے حفاظت فرما، باہر کی غلاظت سے محفوظ فرما، اچھا مسلمان بنا، اچھا شہری بنا، ہر روپ میں خوبصورت انسانیت کا پیکر بنا، ہر روپ میں یا اللہ عالی اخلاق والا بنا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور پوری امت سے راضی ہو جا۔ جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور امت کا سفینہ ڈوبا، وہ گناہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ یا اللہ پوری انسانیت کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے بسنے والوں کو اپنا تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ کلمہ گو پڑھنے، کلمہ پڑھنے والوں کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے۔ یا اللہ، یا اللہ آج تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ یا اللہ تیرے ہی فضل سے یہ مسجدیں بنی، تیرے ہی فضل سے یہ آباد ہوئیں۔ یا اللہ تو، یا اللہ، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم تیرے غصے کو سہ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے مولا ہم سے تو دنیا کی آگ نہیں سہی جاتی، جہنم کی آگ برداشت کون کرے گا؟ یا اللہ میرے آقا ہمیں تو دنیا کی پولیس پکڑے تو ہم یا اللہ پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ اگر جہنم کے فرشتوں نے پکڑ لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ میرے مولا یا اللہ جب تو میدان معاشر میں یہ صدا لگائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر دو۔ یا اللہ ہمیں مجرموں میں دھکا نہ دے دینا۔ اے کریم آقا تیری عزت کی قسم، زندگی میں جھولی میں کچھ عمل نہیں، خالی ہاتھ ہیں، اور جھولی بھی پھٹی ہوئی ہے، کشکول بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ یا اللہ پریشان ہیں کہ حشر کے میدان میں تیرا سامنا کیسے کریں گے میرے مولا، جب تیرے بڑے بڑے نیک بندے، بڑی بڑی نیک بندیاں، بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے، ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ یا اللہ نہ چھپنے کی جگہ ہے، نہ بھاگنے کی جگہ ہے، نہ کہیں دائیں بائیں ہونے کی جگہ ہے، پھر تیرے نبی کا سامنا بھی ہونا ہے، ہم ان کو منہ کیا دکھائیں گے میرے مولا؟ اے کریم آقا شرم ہی شرم ہے۔ یا اللہ مہربانی فرما دے، اس دن تو ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ایک نسبت ہے، اور تو نسبتوں کا قدردان ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، تو صحابہ نے عرض کی ہم آپ کے بھائی ہیں، تیرے نبی نے فرمایا تھا تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ یا اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، تیرے نبی کو نہیں دیکھا، تیرے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، تیرے فرشتوں کو اترتے نہیں دیکھا،
हमने तो चारों तरफ नंगी नंग देखा है, उरियानी उरियानी है, फहाशी ही फहाशी है, हर तरफ मेरे आका गंद ही गंद है। एक कदम आगे चलते हैं, 10 कदम पीछे जा गिरते हैं। सुबह तौबा करते हैं, शाम को टूट जाती है, शाम को करते हैं सुबह टूट जाती है। मेरे आका, बाहर का अंधेरा तो तेरे सामने ही है, किस तरह तेरे हुक्म टूट रहे हैं, किस तरह मेरे मौला तेरे दीन, उफो मेरे आका, कुर्बान जाऊं तेरे हिलम पर, तेरे दरगुजर पर। मेरे आका तो कितना हलीम है, या अल्लाह हम तो अपनी औलाद को धक्के दे के बाहर निकाल दें अगर वो हमारी ना माने, तो कितने हिलम वाला है। या अल्लाह तेरी धरती को हमने गुनाहों से भर दिया और तू हमें मोहलत देता रहा, तेरे पानी कहते रहे इजाजत दे हम चढ़ जाएं, तू उन्हें रोकता रहा, तेरी जमीन कहती रही इजाजत दे मैं फट जाऊं, तू उसे रोकता रहा, तेरे फरिश्ते कहते रहे इजाजत दे हम उतर जाएं, तू उन्हें रोकता रहा, तू हमारी तौबा का इंतजार करता रहा। तो आज हम भी आ गए हैं तेरे दर पे तौबा करने, या अल्लाह तू भी अपनी रहमत की बाहें फैला दे मेरे मौला, तू भी कह दे आए मेरे बंदो मरहबा, तू भी आज ऐलान कर दे जाओ मैंने माफ कर दिया। आज तो एक दफा कह ही दे या अल्लाह, तूने कह दिया होगा, तूने यकीनन कह दिया होगा कि जाओ मैंने माफ कर दिया। ए करीम आका, ओ हमारे अल्लाह, ए मोहम्मद मुस्तफा के अल्लाह, ए जुल जलाल वल कराम अल्लाह, हमसे तेरी जहन्नम बर्दाश्त न होगी, हमसे कब्र के अंधेरे बर्दाश्त न होंगे, हमसे कब्र के सांप बिच्छू सहे न जाएंगे। या अल्लाह आज कह दे मैंने माफ कर दिया, आज कह दे जिब्रील को कह दे, आसमानों में ऐलान फरमा दे, ये छोटा सा तेरे मानने वालों का मजमा, इनके छोटे से लेकर बड़े तक को सबको आज ऐलान कर दे कि जाओ मैंने माफ कर दिया। हमें एक दफा मोहब्बत से देख ले, अर्शों के पर्दे हटा दे, आसमान की ताने हटा दे, और हमें मोहब्बत से देख जैसे माँ बच्चे को प्यार से देखती है, तो बच्चे का दिल बाग बाग हो जाता है, उसका दिल बड़ा हो जाता है। या अल्लाह जब वो बाहें फैलाती है तो बच्चा दौड़ के माँ की गोद में गिरता है। ए आका अपनी रहमत की बाहें फैला दे, अपनी रहमत की चादर फैला दे, हमें अपने अंदर छुपा ले, अपनी रहमत की चादर में छुपा ले। या अल्लाह या अल्लाह, हम दुखों के मारे हुए जैसे बच्चा दुखी होकर माँ की गोद में गिरता है और रो रो के उसे अपने दुखड़े सुनाता है। मेरे आका तेरे महबूब की उम्मत का गम हम तुझे सुनाते हैं, तो हमारे हाल पे रहम फरमा दे। या अल्लाह दुनिया भी गई आखरत भी जा रही है, ए करीम आका हमसे राजी हो जा, राजी हो जा, हो जाना या अल्लाह, हो जाना या अल्लाह, तू कह दे मैं हो गया हूँ, कह दे मैं हो गया हूँ, ये मजमा उठने से पहले बख्शा जा चुका हो, माफ किया जा चुका हो, दरगुजर किया जा चुका हो, तूने कर दिया होगा मेरे आका, तूने कर दिया होगा मेरे आका, तो हम सब से राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरत हसना वकीना अज़ाबन्नार वसल्लल्लाहु तआला नबील करीम आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जी क्या अभी तय नहीं है? अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप जितने थे सारे ही आते रहे, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ने रिज़्क मुकद्दर में लिखा तो फिर भी मुलाकात हो जाएगी, अभी तो एक दो दिन के बाद इंशाल्लाह वापसी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई कोई मुसाफा ना करें, मुलाकात कोई ना लें, इंशाल्लाह सलाम कर लिया।